हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप कभी भी कॉल करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है ऑफ हो जाती है। ठीक है, बार बार ऑफ होती है आपकी स्क्रीन, तो ये कॉल स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कॉल स्क्रीन ऑफ की, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, कॉल स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम आती है, इससे बहुत सारी समस्याएं जो है ना वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे रीसेट, देखिए इस कॉलिंग के ऐप को आप उंगली से दबा के रखिए, एक ना छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, उसे टैप करना है तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, फोन का इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले इसे है ना क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा डिलीट ऐप डेटा का। इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला अभी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपने इस कॉलिंग ऐप को जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो हमारे मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं, जैसे कि कॉल स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम उनमें से एक होती है, ऐसी बहुत सारी कमियाँ आने लगती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको है ना सबसे पहले मोबाइल फोन का आपको इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, इस सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो कॉल स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम है तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज अपने फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल फोन रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे भी टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो कॉल स्क्रीन ऑफ की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है ना सारा का सारा डेटा किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने प्रोसेस आपको बता दिए सारे आप फॉलो कीजिए तो आपकी कॉल स्क्रीन ऑफ की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा आपके एरिया के आसपास वहाँ पर आपको चले जाना है, वहाँ पर आपको अपना फोन दिखा देना है। दोस्तों हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर क्योंकि मैंने आपको है ना यहाँ पर जितने भी प्रोसेस इस वीडियो में बताए हैं वो सारे के सारे आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की कोई कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कॉल स्क्रीन ऑफ की तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।